दोस्तों, भविष्य की एक ऐसी दुनिया जहां पर हम इंसान अपने खुद के बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते थे। चारों तरफ कुछ ऐसे रोबोटिक एलियंस का राज था जो हम इंसानों पर हुकूमत करते थे। और तो और, भविष्य में हम इंसानों को एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना और प्यार करना सख्त से सख्त मना था। कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे लोग व्हाइट कपड़े पहने हुए दिखाए जाते हैं जो एक बहुत ही बड़ी रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे। इन सभी लोगों को रोबोटिक सिस्टम हैंडल कर रहा था जो कि एआई से बना होता है। वहां के सारे वर्कर्स के नाम अलग अलग कोड पर बनाए गए थे। जैसे कि हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम THX होता है, जिसे कि हम थैक्स भी बुला सकते थे। थैक्स उसी रोबोटिक फैक्ट्री में लू और सैन नाम के अपने दो दोस्तों के साथ काम किया करता था। इन सारे वर्कर्स में मेल और फीमेल को एक दूसरे के पास आना भी सख्त से सख्त मना था। प्यार करना तो काफी दूर की बात थी। एक आदमी और एक औरत के बीच कोई भी अट्रैक्शन पैदा ना हो, इसीलिए सारे एम्प्लॉइज को एक सिडक्टिव ड्रग्स दिया जाता था, जिसे खाने के बाद उनके अंदर रिलीज होने वाले हार्मोन्स एकदम से बंद हो जाते हैं, जिसके बाद ना कोई मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा और ना ही फीमेल मेल की तरफ। अब एक दिन उस फैक्ट्री के एक सेक्टर में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे एम्प्लॉइज मारे गए थे। लेकिन जो रोबोटिक स्टाफ उन सभी को देख रहा था, वो सब तो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन लेते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इंसानों से इस तरीके के हादसे होते ही हैं। बल्कि वो सब तो इसलिए खुश थे क्योंकि बाकी टाइम से इस बार बहुत ही कम लोग मरे हैं। यहाँ थैक्स कुछ दिनों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, इसीलिए वो जीसस क्राइस्ट के लिए बनाए गए घर के अंदर जाकर प्रे करने लग जाता है। थैक्स कह रहा था कि उसे अपनी एक दोस्त जिसका नाम लू है, उसे देखकर कुछ अजीब तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं। ये फीलिंग्स आज से पहले कभी हुई नहीं थी। दरअसल इन सारी चीजों का कारण लू होती है। लू को जो खाने के साथ सिडक्टिव ड्रग्स दिए जाते थे, वो उन्हें बदलकर कभी खाती ही नहीं थी, जिससे कि लू के अंदर इमोशंस जागने लगी और वो थैक्स से प्यार कर बैठी। थैक्स को भी खुद से प्यार कराने के लिए लू ने उसके भी सिडक्टिव ड्रग्स खाना बंद कर दिया था। वो तो उसके सिडक्टिव ड्रग्स को नॉर्मल ड्रग्स से रिप्लेस कर देती थी, और इसी वजह से थैक्स के अंदर भी लू के लिए काफी ज्यादा इमोशंस आ चुके थे। एक दिन तो दोनों के अंदर की लिमिट्स खत्म हो चुकी थी और थैक्स और लू एक दूसरे के काफी पास आकर इंटीमेट होने लग जाते हैं। ये वो टाइम था जहां पर इस तरीके के रिलेशन बनाना सख्त से सख्त मना था, पर फिर भी थैक्स और लू अपने ही प्यार के जाल में फंसे होते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया नहीं होता कि रोबोटिक एलियंस कैमरे की मदद से ये सारी चीजें देख रहे थे। अब अचानक से एक दिन थैक्स को ये पता चलता है कि लू की शिप किसी दूसरी जगह पर कर दी गई है। थैक्स को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सालों से लू उसके साथ ही काम करते आ रही है, पर अब नियम के मुताबिक लू को बताए गए लोकेशन पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन काम खत्म होने के बाद भी लू अभी तक अपने कमरे में लौटी ही नहीं थी। थैक्स को लू की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसीलिए वो अपने एक दूसरे दोस्त सैन के पास चला गया था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन सैन को भी जरा भी आइडिया नहीं होता कि रोबोटिक एलियंस ने लू को कहां पर छुपा कर रखा है। वो दोनों ही इस बात से एकदम से अनजान थे। पर अब यहां सैन बड़े मतलबी तरीके से थैक्स से बातें करने लगा था कि लू के जाने के बाद क्या वो उसके कमरे में रुक सकता है कि नहीं। ये बात सुनने के बाद थैक्स का दिमाग काफी ज्यादा घूम गया था, इसीलिए वो कंप्लेन बॉक्स में जाकर सैन के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर देता है कि वो उसके साथ गंदी हरकतें करने की बातें कर रहा था, जिसकी वजह से रोबोटिक पुलिस आकर सैन को गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। कई दिन बीतने के बाद भी लू वापस लौटी ही नहीं थी, जिसकी वजह से थैक्स हमेशा खोया खोया ही रहता था। और इसी खोएपन में एकदम गुम होकर थैक्स से काम करते हुए अनजाने में गलती हो जाती है। उसने तो फैक्ट्री के एक मशीन को पूरा जला ही दिया था, पर यह दुर्घटना होने से पहले सिस्टम सिक्योरिटी के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और इस धमाके को बचाने के लिए उन्होंने थैक्स के सिस्टम को ही बंद कर दिया था, जिससे कि एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। अब थैक्स ने एक तरीके से अपराध किया था, इसीलिए रोबोटिक पुलिस आकर उसे जेल में बंद कर देती है। थैक्स को काफी ज्यादा टॉर्चर करके बहुत सारे अपराधियों के साथ रखा गया था, जहां चारों तरफ सफेद कलर की दीवारें मौजूद होती हैं। वहां पर तो सैन भी मौजूद था, जिसे पता होता है कि थैक्स ने ही उसके खिलाफ रिपोर्टिंग की है, और अब दोनों की दोस्ती के बीच दरार भी आ चुकी थी। अब कुछ ही घंटे वहां पर रहने के बाद थैक्स को ये पता चलता है कि उसी जेल के अंदर लू भी मौजूद है, जिससे इतने दिनों बाद मिलकर थैक्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों तो पास आकर एक दूसरे के गले लग गए थे, हालांकि गले लगना भी इस समय में एक अपराध था, पर वो दोनों एक दूसरे के प्यार में किसी से भी डर ही नहीं रहे थे। लू यहाँ पर थैक्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है।
थैक्स भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो दोनों तो फिर से एक दूसरे के पास आकर काफी अच्छे से प्यार जताने लगे थे। लेकिन अब रोबोटिक एलियंस इस बात को ज्यादा सहन नहीं करते। वो सब तो तुरंत थैक्स और लू के कार्यक्रम के बीच में आ गए थे और फिर उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करके अलग अलग जेल में भेज दिया जाता है। थैक्स को अब कैसे भी करके लू के पास जाना ही था, मानो कि वो लू के बिना जिंदा रह ही नहीं सकता। इसीलिए थैक्स काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में उस सफेद दीवारों की तरफ जाने लगा था, जिससे कि वो जल्द से जल्द इस पूरी जेल से बाहर निकल सके। हालांकि सफेद जेल को इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी अपराधी बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश कर ले, वो सफेद रास्ता आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर थैक्स और सैन हार नहीं मानते और वो दोनों काफी दूरी तक चले भी जाते हैं, जहाँ उन्हें RTR नाम का एक आदमी मिला था। दरअसल ये आदमी बहुत समय से इसी जेल में कैद होता है और उसने इस जेल से बाहर निकलने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज सोच के रखी थी। RTR थैक्स और सैन को अपने साथ लेकर एक बहुत ही बड़ी जगह पर चला गया था। वो लोग जेल से तो बड़ी आसानी से बाहर निकल गए थे, लेकिन अब वो तीनों इंसानों की एक बहुत ही बड़ी भीड़ के बीच फंस जाते हैं। थैक्स और RTR सैन से एकदम अलग हो जाते हैं। वहीं सिस्टम सिक्योरिटी को तीनों के बारे में पता चल गया था कि वो जेल से भाग चुके हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने का मिशन चालू कर दिया गया था। थैक्स और RTR तो अपने आप को बचाने के लिए एक मुर्दा घर में आ जाते हैं, पर तभी उन्हें किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई दी थी, इसीलिए वो दोनों मुर्दों की एक्टिंग करके वहीं पर लेट जाते हैं। मुर्दा घर के अंदर एक औरत आ रही थी जो मरे हुए लोगों के कान पर लेबर लगा रही होती है। अब RTR और थैक्स बुरी तरीके से फंस चुके थे। जब उस औरत ने सारे मुर्दों के कान में लेबर लगाना स्टार्ट किया, तब RTR और थैक्स काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। यहाँ RTR ने कान का दर्द तो सहन कर लिया था, लेकिन जब वो लेबल थैक्स के कान में लगता है, तब थैक्स काफी ज्यादा चिल्लाने लगा था, जिससे कि लेडी को पता चल जाता है कि ये दोनों मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं और जेल से भागे हुए एक खतरनाक अपराधी हैं। लेडी ने सिस्टम सिक्योरिटी को थैक्स और RTR की लोकेशन के बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से रोबोटिक पुलिस लगातार उन दोनों का पीछा करते रहती है। वहीं दूसरी तरफ सैन भी बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रहा था, पर वो अपने आप को कैसे भी बचाकर एक सेफ जगह पर जाकर छुप जाता है। थैक्स और RTR तो कैसे भी करके एक सिक्योरिटी रूम में आ गए थे, जहां पर थैक्स सिक्योरिटी कैमरास फुटेज देखकर लू की लोकेशन का पता लगाते रहता है। थोड़ी देर बाद ही थैक्स को जाकर ये डार्क रियलिटी पता चली कि खतरनाक एलियंस ने लू की बॉडी को डीकम्पोज करके उसे जान से खत्म कर दिया था। ये बात सुनने के बाद थैक्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे ये अंदाजा हो गया था कि शायद से रोबोटिक एलियंस को उसके और लू के रिलेशन के बारे में पता चल गया है, इसीलिए लू को जान से मारने के बाद अगली बारी थैक्स की थी। इसीलिए थैक्स जल्द से जल्द RTR के साथ इस पूरी फैसिलिटी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो दोनों जल्द से जल्द पूरे जेल के सिस्टम से तो बाहर निकल जाते हैं, पर अब उन्हें क्रॉस करना था एक बहुत ही बड़े टनल को। दूसरी तरफ हमें सैन को दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा था, यानी कि सैन इस पूरी फैसिलिटी से कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहता। ये वो लोग होते हैं जो बुरी परिस्थिति के सामने खुद को झुका देते हैं, लेकिन थैक्स वैसा बिल्कुल भी नहीं था। भले ही उसकी जान खतरे में थी, लेकिन शुरुआत से ही वो इस पूरी जगह से बाहर निकलना चाहता था। रोबोटिक पुलिस लगातार RTR और थैक्स का पीछा करते ही रहती है, लेकिन अब गलती से RTR पीछे छूट गया था और पुलिस वालों ने अपने एडवांस वेपन की मदद से RTR को जान से मार दिया। थैक्स अपनी जान कैसे भी बचाकर एक हाईली एडवांस कार में पहुंच जाता है। हालांकि वो कार बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद थैक्स कार को स्टार्ट करने में कामयाब हो गया था। थैक्स तो कार को एकदम फुल स्पीड में भगाते हुए वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन अभी भी रोबोटिक पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही थी। सिक्योरिटी सिस्टम वाले थैक्स के लोकेशन का पता लगा ले रहे थे, क्योंकि उस सुपर कार के अंदर ट्रैकर मौजूद होता है। थैक्स अब कार को बहुत ही ज्यादा स्पीड में लेकर एक ऐसी जगह पर आ गया था जहां से आगे जाने का रास्ता ऊपर की तरफ होता है। तभी बिना कुछ सोचे समझे थैक्स कार को छोड़कर वहां की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा था, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं होता। दो रोबोटिक पुलिस ऑफिसर्स भी सीढ़ियां चढ़ने लगे होते हैं ताकि वो थैक्स को किसी भी हालत में पकड़ सकें। वो पूरी सीढ़ी काफी ऊंचाई तक गई थी, जिसका मतलब साफ था कि कुछ ही मिनटों में थैक्स काफी ज्यादा थक जाएगा और वो रोबोटिक पुलिस वाले बिना थके उसे पकड़ भी लेंगे। तभी अचानक उन दोनों रोबोटिक पुलिस ऑफिसर्स के सिस्टम में कुछ मैसेज आता है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने बताया था कि वो थैक्स को पकड़ने का मिशन यहीं पर रोक दें, क्योंकि उस एक आदमी को पकड़ने के लिए उन्हें काफी सारी चीजें इन्वेस्ट करनी पड़ रही थी।
वो एक आदमी के चक्कर में पूरे इंसान जो उनके गुलाम होते हैं उन्हें नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए अब वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स नियम को फॉलो करते हैं और थैक्स का पीछा बंद करके वापस चले जाते हैं। थैक्स को भी ये देखकर थोड़ी सी राहत मिली थी, पर वो ऊपर चढ़ना रोकता नहीं। कई घंटों तक चढ़ाई करने के बाद आखिरकार थैक्स बाहर निकल गया था, जहाँ पर काफी अच्छी तरीके से सनसेट दिखाई देता है। दरअसल ये पूरी फैसिलिटी जमीन के अंदर मौजूद थी, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि वो सारे एलियंस जमीन के ऊपर नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने इंसानों पर कब्जा किया और अर्थ के अंदर अपना बेस बना लिया। लेकिन हमारा थैक्स तो इन सारी चीजों से बचते हुए अर्थ की जमीन पर कदम रख देता है, और हमारी ये अनोखी कहानी भी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो ये वर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।